92.7 Big FM पर Big Heroes. Big Heroes. Everyone has a problem. The only difference is that mine is visible while others isn't. हर किसी को कोई ना कोई समस्या होती है. फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी समस्या दिख रही है और दूसरों की दिखती नहीं. ये कहना है एक ऐसे शख्स का जो जन्म से ही चल फिर नहीं सकते. उन्हें एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि वो सारी जिंदगी एक लकड़ी की गुड़िया की तरह जिएंगे. लेकिन उस शख्स के माता पिता ने और खुद उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो हजारों डिसेबल्ड लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं. अपनी फाउंडेशन निपमेन फाउंडेशन और अपने इनिशिएटिव व्हील्स फॉर लाइफ के जरिए मेरे बिग हीरो का नाम है निपुण मल्होत्रा. आप सुन रहे हैं बिग एफएम पर बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरुत और मैं निपुण से मिलने उनके ऑफिस गई. निपुण बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में. थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज बात करके. अच्छा ये बताइए व्हील्स फॉर लाइफ क्या है, ये क्या आप काम करते हैं, निपुण फाउंडेशन क्या करती है? तो आपने व्हील्स फॉर लाइफ के बारे में पूछा तो मैं व्हील्स फॉर लाइफ की कहानी आपको पहले बताऊंगा. व्हील्स फॉर लाइफ एक वेबसाइट है जो कनेक्ट करती है उन लोगों को जिनको व्हीलचेयर की जरूरत है उन लोगों से जो व्हीलचेयर डोनेट करना चाहते हैं. व्हील्स फॉर लाइफ के थ्रू हमें पिछले 1.5 साल में करीब 900 डोनेशन मिली हैं और हमने 11 स्टेट में 20 एनजीओ पार्टनर के थ्रू व्हीलचेयर बांटी हैं. कोई भी एक व्हीलचेयर डोनेट कर सकता है बस जस्ट बाय डोनेटिंग 5,000 रुपये ऑन www.wheelsforlife.in और वो हम अपने पार्टनर जिसके थ्रू पहचानते हैं उन लोगों को जिनको व्हीलचेयर की जरूरत है और व्हीलचेयर उनको देते हैं. और जिसको व्हीलचेयर मिल रही है वो एकदम फ्री में मिल रही है लेकिन कोई ना कोई उसको डोनेट कर रहा है. हाँ जी, कोई ना कोई डोनेट कर रहा है. जैसे कि अगर रिचा डोनेट करे तो व्हीलचेयर की इनफैक्ट ऊपर स्टिकर होएगा व्हीलचेयर डोनेटेड बाय रिचा और आपको एक फोटो भी मिलेगी कि किस बेनिफिट किस बंदे को व्हीलचेयर या किस बंदी को व्हीलचेयर में दी. तो वो ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है कि हर डोनर को पता चलता है कि मेरी डोनेशन से किसकी जिंदगी को फर्क पड़ा है. जिसको व्हीलचेयर मिली हो कोई आप एक ऐसा अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे या किसी की आपने जिंदगी बदलती देखी है और तब लगा कि माय गॉड एक व्हीलचेयर इतना कुछ कर सकती है. एक मीना जी नाम की लेडी हैं जसोला के पास स्लम्स में रहती हैं और उनके पैर कटे हुए थे और हमने उनको ट्राईसाइकिल दिया. व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल दोनों देते हैं व्हील्स फॉर लाइफ के नीचे और आज वो ट्राईसाइकिल में घूम के कारपेट छोटी छोटी चीज़ें और सब वो झोपड़पट्टी में बेचती हैं और अपना खुद का पैसा कमा रही हैं और उनकी फैमिली में भी पूरी इज्जत ज़्यादा बढ़ गई. उनको एक छोटा सा कमरा घर के बाहर दिया गया था और आज वो घर के अंदर रह रही हैं अपने खुद के घर के अंदर ही. तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत सुंदर कहानी है. 100 से ज़्यादा बच्चे होंगे जो स्कूल वापस जा पाए हैं अपनी व्हीलचेयर के कारण और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं अब. उसके अलावा मैंने एक व्हीलचेयर गुड़गांव में किसी बंदे को दी थी. उसने एमए की हुई थी वैसे पर वो कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा था. अब वो अपनी मेट्रो में ट्रैवल कर लेता है व्हीलचेयर के थ्रू और अब ट्यूशंस दे रहा है दिल्ली में बहुत स्टूडेंट्स को. तो ऐसी कई कहानियाँ हैं इनफैक्ट और हम अपने फेसबुक पेज अनाउंस में भी शेयर करते रहते हैं ये कहानियाँ. निपुण मल्होत्रा ने अपनी डिसेबिलिटी पर तो जीत हासिल की, पढ़ाई भी की और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं कि निपमेन फाउंडेशन और व्हील्स फॉर लाइफ की शुरुआत के पीछे भी बहुत दिलचस्प कहानियां हैं. वो कहानियां जो कुछ हद तक हमें अंदर तक हिला भी सकती हैं. बताऊंगी आपको अब से बस कुछ ही देर में. सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरुत. 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज. बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज. बिग हीरोज बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरुद और आज मेरे बिग हीरो हैं निपुण मल्होत्रा जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं निपमेन फाउंडेशन के. निपमेन फाउंडेशन डिसेबल्ड लोगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अधिकारों के लिए काम करती है. इसके अलावा निपुण मल्होत्रा का एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन है जिसका नाम है व्हील्स फॉर लाइफ जिसमें वो ऐसे लोगों के लिए व्हीलचेयर्स अरेंज करते हैं जो लोग खुद एक व्हीलचेयर खरीद नहीं सकते और एक व्हीलचेयर के जरिए निपुण ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है. लेकिन निपमेन फाउंडेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई आइए सुनते हैं. तो मैं 2011-12 में था जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना एमए कर रहा था. तब मेरे काफ़ी दोस्त थे जो कंपनी में अप्लाई कर रहे थे जॉब्स के लिए तो मैंने सोचा कि अगर बाकी अप्लाई कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना अप्लाई करूं. और तब मैंने देखा कि कितने बड़े चैलेंज होते हैं कोई डिसेबल इंसान को एक जॉब लेने के लिए. जैसे कि एक कंपनी थी जिसने मेरे को पूछा कि आप क्या आपने ज़िंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी है. मतलब मैं तो एक एमए का स्टूडेंट ऑब्वियसली पढ़ी है. एक और कंपनी ने बोला हम टेस्ट करना चाहते हैं कि आप 8 घंटे व्हीलचेयर में बैठे रह सकते हैं कि नहीं.
एक और कंपनी थी जिसने मेरे को 8 राउंड इंटरव्यू करवा दी, 7-8 राउंड, और उसके बाद बोला अरे हमारी गलती हो गई, हमारे पास टॉयलेट नहीं है डिसेबल लोगों के लिए, इसलिए हम आपको रख नहीं सकते। मैंने बोला कुछ नहीं होता, मैं अपने आपको कंट्रोल कर लूँगा, मैं काफ़ी घंटों के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मेरे को ये जॉब चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं 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 क्या पता कल आप हमारे ऊपर केस करो, उससे अच्छा हम बोझ ही ना उठाएं डिसेबल इंसान को हायर करने का। और उसके बाद मैं काफ़ी मायूस था 1-2 महीनों के लिए, तो मैं अपने आपको अपने कमरे में लॉक किया गया। पर फिर मुझे लगा कि मेरे डैड का एक बिज़नेस है जो हर विकलांग इंसान को ये मौका नहीं मिलता, तो क्यों ना कि मैं अपने डैड के बिज़नेस में ज्वाइन करूँ जिससे मेरे को अपनी रोजी रोटी मिल जाए, उसके साथ साथ मैं अपनी खुद की कोई फाउंडेशन स्टार्ट करूँ जिससे मैं लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव ला पाऊँ। और इसलिए 2012 में मैं और मेरी माँ ने साथ में फाउंडेशन शुरू की। निपुण चाहते तो अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन करके अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि जिन परेशानियों का सामना उन्होंने खुद किया है उससे दूसरे डिसेबल लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, और उनके इसी फैसले ने उनको बनाया है हमारा बिग हीरो। व्हील्स फॉर लाइफ जो इनिशिएटिव है जिसके जरिए वो जरूरतमंदों तक व्हीलचेयर्स पहुंचाते हैं, उसकी शुरुआत के पीछे भी एक कहानी है, सुनेंगे आपसे बस कुछ ही देर में। बने रहिए मेरे साथ बिग हीरोज में और सुनते रहिए बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और आज मेरे बिग हीरो हैं गुरुग्राम में रहने वाले निपुण मल्होत्रा, जो कि चलाते हैं एक वेबसाइट जिसका नाम है wheelsforlife.in, जिसके जरिए आप अगर किसी जरूरतमंद को व्हीलचेयर देना चाहते हैं तो वहां जाकर डोनेट कर सकते हैं। लेकिन व्हील्स फॉर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? रेडियो पे आप सब मुझे सुन रहे हो, देख नहीं रहे, तो शायद कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं खुद भी एक व्हीलचेयर पे हूँ, और मुझे क्योंकि मैं खुद एक व्हीलचेयर हूँ, मुझे पता है कि व्हीलचेयर ने मेरी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदली है। अगर मैं व्हीलचेयर पे नहीं होता, मैं पूरा दिन शायद बिस्तर पे पड़ा रहता या घर से बाहर नहीं निकल पाता। आज व्हीलचेयर में हूँ इसलिए मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, पढ़ाई की है मैंने, मैं इकोनॉमिक्स हूँ, एक MBA हूँ, और वो सब मैं अपनी व्हीलचेयर में बैठ के ही मैंने ये सब कुछ किया है। व्हीलचेयर ने मेरा लाइफ इतना बदला। हम हर साल क्या करते थे, मैं और मेरी माँ 3-4 लोगों को व्हीलचेयर हर साल डोनेट करते थे अपने खुद के पैसे से, क्योंकि कोई अगर खुद डोनेट कर रहा है इतने ही लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। और मुझे याद है करीब 1.5 साल पहले एक लड़के के साथ कोई आया था हमारे पास और बोला था कि इस बच्चे को एक व्हीलचेयर की ज़रूरत है, और तब मैंने बोला कि हमने इस साल तो अपने ऑलरेडी जो कोटा था व्हीलचेयर का वो दे दिया है, पर मुझे बहुत दुख लगा है उसको मना करके। तो मैंने उस बंदे की एक फ़ोटो खींची बस, और अपनी मासी को ये फ़ोटो दिखाई, और मेरी मासी ने तुरंत 5,000 रुपये निकाले और बोला कि प्लीज़ इसके लिए एक व्हीलचेयर खरीदो, मैं इसकी ज़िंदगी बदलना चाहती हूँ। और अगले दिन ही हमने व्हीलचेयर खरीदी और उसको दी, और उसकी व्हीलचेयर पर बैठे हुए पहली मुस्कुराहट की एक फ़ोटो खींच के मैंने अपनी एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। और जैसे मैंने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डाली और अपने मासी को धन्यवाद किया, तो मेरे बाकी जितने भी मासी मामा और रिश्तेदार थे वो भी बोलने लगे हम भी एक व्हीलचेयर देना चाहते हैं, हम भी एक व्हीलचेयर देना चाहते हैं। तो मैंने सोचा डोनेशन का भी क्यों ना एक कॉम्पिटिशन किया जाए। तो इससे अगर आप व्हील्स फॉर लाइफ पे जाओगे, एक डोनर वॉल भी है जिसमें लिखा होता है कि हर इंसान ने कितनी ज़्यादा व्हीलचेयर दी है। कम्पीटिंग टू डोनेट एंड चेंज लाइव्स इज़ व्हाट आई थॉट, एंड आई थॉट दैट ऐसे बहुत लोग हैं जो कुछ किसी की लाइफ बदलना चाहते हैं, और ऐसे कुछ बहुत लोग हैं जो जिनको कुछ मदद की ज़रूरत है, तो उन सबको साथ में एक वेबसाइट पर क्यों ना मिलवा दें। तो बहुत खुशी मिलती है जब किसी की लाइफ बदल सकती है। और मेरा ख्याल यही है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द फैमिली एक इनकम अर्नर बन जाए, उसकी एटीट्यूड फैमिली का पूरा उसकी तरफ बदल जाता है। तो खाली व्हील्स फॉर लाइफ के थ्रू नहीं, बट जो हम एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स करते हैं, जो हमारे अवार्ड हैं जिनमें हम कंपनियों को पहचानते हैं तो डिसेबल लोगों को एम्प्लॉय कर सकें, हमने खुद अपनी कंपनी में भी कुछ डिसेबल लोगों को एम्प्लॉय किया है, उसके थ्रू मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बदलाव आ जाता है। क्योंकि फिर उन डिसेबल लोगों का परिवार भी देखने लग जाता है कि अगर बंदा खुद कुछ कमा रहा है और एक कंट्रीब्यूटर है फैमिली को, तो वो फैमिली के भी एक बोझ नहीं है पर फैमिली का एक एसेट है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, उसको एक व्हीलचेयर गिफ्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं बताऊँगी आपको अब से बस कुछ ही देर में, और साथ ही ये भी बताऊँगी कि निपुण मल्होत्रा को खुद क्या प्रॉब्लम है। सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए।
और जो लोग ऐसे जीते हैं वो बनते हैं बिग हीरो। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज, मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरोध, और आज मेरे बिग हीरो हैं गुरुग्राम के रहने वाले निपुण मल्होत्रा, जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं निपमेन फाउंडेशन, एक ऐसी संस्था जो डिसेबल्ड लोगों के स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के लिए काम करती है, और साथ ही उन जरूरतमंदों तक व्हीलचेयर्स पहुंचाती है जो लोग व्हीलचेयर खुद खरीद नहीं सकते, लेकिन निपुण मल्होत्रा खुद व्हीलचेयर पर हैं। क्या परेशानी है उनको? मेरी डिसेबिलिटी का नाम आर्थ्रोग्राफोसिस है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, किसी को याद नहीं रहेगा इसलिए मैं उसको सिंपल समझा देता हूँ। बेसिकली मेरे हाथ और पैर में पूरे मसल पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए थे जब मैं पैदा हुआ था, तो पैदाइश मेरी डिसेबिलिटी है। जब मैं पैदा हुआ था डॉक्टर ने काफ़ी गंदी गंदी चीज़ें भी बोली। एक डॉक्टर ने बोला कि एक खाली एक वुडन डॉल या जीती हुई गुड़िया की तरह बस बिस्तर पर पड़ा रहेगा। एक और डॉक्टर ने बोला कि इसकी गर्दन सीधी है, इसको जिंदा रखना काफ़ी है, बट उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। पर मेरे माँ ने हमेशा हौसला रखा कि निपुण मेरे को एक माँ बनने की तो पूरी खुशी देगा, और मेरी माँ ने इंसिस्ट किया कि मैं एक अलग स्कूल में जाऊँ, पर एक मेन स्ट्रीम स्कूल में जाऊँ। उसके बाद स्कूल रोज़ जब मैं छोटा था रोज़ स्कूल आके मेरा होमवर्क कॉपी करती थी, पढ़ाई में मेरा हेल्प करती थी। स्कूल में जब मैं छोटा था तब मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते थे, तो पूरा माय मदर वॉज़ अ मेन सपोर्ट सिस्टम। क्या बात है, काश ऐसा सपोर्ट हर किसी को अपने माता पिता से मिल सके। अब निपुण मुझे बताइए कि अगर कोई, जो लोग हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, वो व्हील्स फॉर लाइफ को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कैसे आपसे कॉन्टैक्ट हो सकता है? अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली www.wheelsforlife.in पे जा सकते हैं, और वहाँ पे बहुत इजी प्रोसेस है क्रेडिट कार्ड के थ्रू डोनेट करने का। वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की कहानी भी बताई गई है जिनकी लाइफ व्हील्स फॉर लाइफ के थ्रू बदली है। व्हील्स फॉर लाइफ के फेसबुक पेज में और भी ज़्यादा कहानियाँ हैं उन लोगों की जिनकी लाइफ बदली है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से नहीं डोनेट करना चाहते हैं और डायरेक्टली चेक या बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं contact@nipunfoundation.com, और हम आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे। यहाँ पर हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 9205058912 पे, 9205058912। थैंक यू सो मच निपुण, इतना अच्छा काम करने के लिए और हमारे बिग हीरो बनने के लिए। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप किसी ज़रूरतमंद तक एक व्हीलचेयर पहुंचाना चाहते हैं तो wheelsforlife.in पर लॉगिन कीजिए और ये नेक काम करने में देर मत लगाइए। और इसी के साथ रिचा अनुरोध को इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज़।